अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। साल का बदलना बज़ाहिर तो एक अदद का बदलना ही होता है, मगर इस अदद के बदलने से आपके हालात ज़िंदगी पे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के असरात आ सकते हैं। हर फर्द ख्वाह वो किसी भी शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, इसको अपने मुस्तकबिल और आने वाले वक्त को जानने का तजस्सुस ज़रूर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुजदिलू की तफसील बताने जा रही हूँ, जिससे बुजदिलू के अफराद 2023 में अपने हारोस्कोप में सियारों की गर्दिशों के होने वाले असरात जान सकेंगे कि ये साल 2023 उनके लिए कैरियर, माली हालात, मोहब्बत और ज़िंदगी के बाकी मामलात में क्या लेकर आ रहा है। तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। 2023 में बुजदिलू के अफराद के लिए खुशकिस्मती का नंबर 6 होगा। जोहल 17 जनवरी को बुजदिलू के अपने ही पहले घर में ट्रांजिट करेगा। 22 अप्रैल को मुश्तरी बुरझूस से बुरज हमल यानी इनके तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा। राहु और केतु साल के आगाज में इनके तीसरे और नौवें घर में प्लेस्ड होंगे। फिर इस साल सियारा जोहरा, सूरज और अतारत का ट्रांजिट इनके जायचे के मुख्तलिफ घरों में होगा। इन स्टार्स की ट्रांजिट को देखते हुए अगर हम 2023 में बुजदिलू के अफराद की माली जिंदगी और कैरियर के बारे में बात करें तो स्टार्स की ऐसी पोजीशन को देखते हुए साल 2023 में बुजदिलू के अफराद को अपने कैरियर में इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस साल कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे जिनका बुजदिलू के अफराद पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। इनके खिलाफ साजिशें हो सकती हैं। इन अफराद को काम पर ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जो बहुत मुश्किल होंगे। मार्च और अप्रैल के दरमियान जो अफराद जॉब का तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, उनको इस साल माली उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। सूरज भी जनवरी में इनके बारहवें घर में प्लेस्ड होगा। इस दौरान अखराजात में इजाफे का इंडिकेशन है, लेकिन दूसरे घर में मुश्तरी की प्लेसमेंट्स की वजह से इनकी माली हालत कुछ बेहतर रहेगी। साल का आगाज बुजदिलू के अफराद के लिए अच्छा रहेगा। दूसरे घर में मुश्तरी की वजह से इनकी आमदनी में इजाफा होगा। साल के आगाज में जोहल की पहले घर में मौजूदगी इनकी कामयाबी के इम्कानात को वाजे करेगी और ये अफराद मुतद्दद ज़राए से पैसा हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। इनकी माली हालत में बेहतरी आएगी। इस वक्त के दौरान ये अफराद किसी नई प्रमोशन की वजह से अपनी दौलत में और भी इजाफा करने में कामयाब हो जाएंगे। फरवरी में इन अफराद के पास अपने कैरियर में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के मुतद्दद मौके होंगे। मई से अगस्त तक इनके दुश्मन ताकतवर होंगे और इन अफराद को अपने काम में एक मुश्किल दौर का सामना करना पड़ेगा। ताहम सितंबर से हालात फिर से बदलना शुरू हो जाएंगे और नवंबर और दिसंबर में इन अफराद का कैरियर बेहतर हो जाएगा। साल के आखिर तक इन अफराद को अपने बिजनेस और कैरियर में कामयाब होने के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं बुजदिलू के अफराद के लिए नया साल 2023 मोहब्बत के हवाले से कैसा रहेगा। मोहब्बत के हवाले से 2023 एक अच्छा साल रहेगा। पांचवें घर पर सूरज और अतारत की नजर होने की वजह से ये अफराद अपने लवर से कम्युनिकेशन करते रहेंगे। जनवरी और फरवरी के महीनों में इनकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन मार्च में जब मार्स का ट्रांजिट इनके पांचवें घर से होगा तब इनकी लव लाइफ खराब हो सकती है। इस वक्त के दौरान ये अफराद एक दूसरे से बहस कर सकते हैं। अगर उस वक्त ये अफराद अपने इख्तलाफात को अच्छे तरीके से हल नहीं करते तो इनके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। इसके बाद अप्रैल और मई के महीनों में इनकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी।
जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा मोहब्बत की जिंदगी में कोई मसला नहीं आएगा और इस दौरान इनमें से बहुत से लोगों को सच्ची मोहब्बत भी मिल सकती है। ये अफराद उस टाइम ज्यादा पुरसकून होंगे। मई और जून का महीना रोमांटिक मीटिंग्स के लिए साजगार है। ये मीटिंग्स लव मैरिज का बायस भी बन सकती हैं। जुलाई और अगस्त के दरमियान ये अपने लवर को शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीनों में इनकी लव लाइफ और खूबसूरत हो जाएगी। अब हम देखते हैं बुजदिल्लू के अफराद के लिए नया साल 2023 फैमिली लाइफ और शादी के हवाले से कैसा रहेगा। साल 2023 के आगाज में बुजदिल्लू के अफराद को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि मरीख इनके चौथे घर में प्लेस्ड होगा, जिसकी वजह से इनकी फैमिली लाइफ तनाव और तनाजात का सामना करेगी, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। ताहम 17 जनवरी के बाद जब सोहल बुजदिल्लू में ट्रांजिट करेगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। सितंबर से अक्टूबर तक घर का माहौल खुशगवार रहेगा और बुजदिल्लू के अफराद नवंबर से दिसंबर तक फैमिली मेंबर्स के साथ सैर के लिए जा सकते हैं। जहां तक बुजदिल्लू की शादीशुदा जिंदगी का ताल्लुक है तो साल 2023 का आगाज इनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए दरमियाना होगा। पहले घर में जोहल की प्लेसमेंट होने की वजह से ये अफराद शादीशुदा जिंदगी में अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब होंगे। इनकी शादीशुदा जिंदगी में सुकून रहेगा। अब हम देखते हैं बुजदिल्लू के अफराद के लिए नया साल 2023 सेहत के हवाले से कैसा रहेगा। साल 2023 में बुजदिल्लू के अफराद को सेहत से मुतल्लिक मसाइल को संजीदगी से लेना चाहिए। जोहल के बुजदिल्लू में ट्रांजिट की वजह से इनकी सेहत बेहतर होगी, लेकिन जब अप्रैल में मुश्तरी सूरज और राहु ये सब सियारे तीसरे घर में इकट्ठे होंगे तो तब बुजदिल्लू के अफराद को कंधे पर चोट लग सकती है। सूरज के नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट के साथ ही इन मिसाइल में बेहतरी आएगी, लेकिन मई और अगस्त के दरमियान मुश्तरी और राहु की वजह से फिर से हेल्थ इशू हो सकते हैं। साल के बाकी महीनों में इन अफराद की सेहत अच्छी रहेगी। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ बुजदिल्लू की सियारवी गर्दिश 2023 के हवाले से बनाई गई मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज।